नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डाबर की सहयोगी संदेश संस्था के द्वारा महिलाओं युवतियों को 5 दिवसीय ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। बतौर मुख्य प्रशिक्षक बीना देसाई अकेडमी ट्रेनर मुंबई से मौजूद रही। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए, साथ ही कहा कि जो हुनर उन्होंने सीखा है उसका प्रयोग करते हुए वो अपने व्यवसाय को खड़ा करें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। संदेश संस्था के प्रबंधक सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें सौंदर्यकरण, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी रचना का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया। इन्होंने जो प्रयास किया है कि हम ब्यूटिशियंस को अपग्रेड करें, नया नॉलेज दे, नेशनली और इंटरनेशनली ये हर चीज़ को कर सके। और आज मेरी ट्रेनिंग 5 दिन की पूरी होने हो चुकी है और मैंने आज बीना देसाई जो मैम मेरी बॉम्बे से आई हुई थी उनसे मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैंने 5 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम की तरफ से, मेरी तरफ से मैम के लिए धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ जो मैम ने मुझे सिखाया मैं सभी को सिखाऊँ आगे जा के, क्योंकि लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं। ये करने से सबको बहुत अच्छा लाभ होगा और मैं सभी को मेकअप करूँगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मिठाइयां और फलों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु होने की कामना भी की। आज हमने समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का 81वां जन्मदिन बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है और मनोकामनाएं करते हैं कि उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहे और आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बलिया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर में आग लग गई। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में छात्रा सहित 5 महिलाएं झुलस गई। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मिड्डी में आज दिन में लगभग 12:30 बजे एक श्री जोगिंदर सिंह नाम के व्यक्ति जो पेशे से अधिवक्ता बताए जाते हैं उनके यहाँ पर सिलेंडर फटने की घटना हुई है। इस घटना में एक महिला को सर में चोट लगी है और 3-4 महिलाएं जो हैं हल्की फुल्की झुलस गई हैं, जिनको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जिनका इलाज कराया जा रहा है। हरदोई के ग्राम लालपुर में प्रेमिका से शादी करने के लिए रुपए कमाने की चाहत में प्रेमी ने किसान के पुत्र का अपहरण कर दिया। रात में शोर मचाने पर उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी गई, साथ ही उसके शव को गड्ढे में फेंककर पत्तियों से ढक दिया गया। छात्र के पिता ने युवक पर शक जताकर तहरीर दी तो पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने युवक को काम धंधा करने की नसीहत दी थी, जिसके बाद युवक ने किसान के बेटे का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर डाली। लालपुर गांव के एक बच्चा जो आज साधन था उसे शुद्धि हरबाबा में थाने पर दर्ज कराई थी और अगले ही दिन उस बच्चे का शव बरामद हुआ। मुजिम की निशानदेही पे ही शव बरामद किया गया था और मुजिम ने पूछताछ में बताया है कि वो बैंगलोर में काम करता है और उसका जान पहचान एक उन्नाव की लड़की से है जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। उसको उसको पैसे दिए, पैसे लेना चाहते थे हम, पैसे लेकर एक लड़की से बात करते थे हम, लेकर उसे भाग जाना चाहते थे। हमें पैसे नहीं जाते, हम उससे लेके चले जाते, लेकिन वहाँ पे 2-3 आदमी आ गए थे, इसलिए हम सर ऐसा कर दिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ऐसा मामला सामने आया जो स्वच्छता मिशन के दावे को नाकाम साबित कर रहा है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में स्कूल में गंदगी के चलते बच्चों का जीना बेहाल हो गया। वहीं स्कूल का मैदान भी अब जंगल के रूप में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते शिक्षा के लिए आने वाले बच्चों को सांस लेना भी दूभर हो रहा है। ग्रामीणों ने भी इस बात पर चिंता जताई है और जल्द से जल्द निराकरण की मांग की है। यहाँ पर साफ रहते हैं, बहुत दिनों से सफाई को कह रहे हैं, बहुत हैं, कोई सफाई नहीं। स्कूल में अक्सर इसमें बच्चे तो छोटे छोटे हैं ही, इसमें कई बार कंप्लेंट करने के बाद तो सफाई होती है। 2-2 महीने में, 3-3 महीने में सफाई कर्मचारी आता है। कई बार तो इसके स्कूल के टीचर हैं को अपना फावड़ा वावड़ा लेकर सफाई सफाई करते हैं, यही लोग करते रहते हैं। इसमें इतनी इतनी बड़ी घास है, इसमें कीड़े का पता नहीं लगता, पीछे एक बहुत बड़ा सांप मिला है। बाराबंकी जिले में सेंट एंथोनी स्कूल के द्वारा नवरस कार्यक्रम के तहत वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा खूबसूरत प्रस्तुतियां दी गई। स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीएम आदर्श सिंह सहित तमाम वीआईपी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों के द्वारा टॉप करने वाले बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। साथ ही मंच पर डीएम ने बच्चों को सफलता पाने के गुरु मंत्र भी दिए। So feel free to go up. I'll take the next 2 to 3 minutes to just
बलिया के जिला चिकित्सालय में आए दिन लापरवाही देखने को मिलती है। पिछले दिनों बच्चे को गलत दवा देने पर उसकी आंख की रोशनी चली गई थी, तो वहीं एक बार फिर से प्रदेश के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के सामने ही स्ट्रेचर के अभाव में एक मरीज को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। ये सारा वाक्य मंत्री के सामने हुआ, मंत्री जी ने इसे देखा भी। मंत्री जी मरीज का हाल जानने इमरजेंसी में भी पहुंचे, लेकिन मरीज से मिलने के बाद मंत्री ने सीएमओ को इस बारे में जानकारी दी और जब मंत्री से स्ट्रेचर के बारे में पूछा गया तो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। जैसे होता है, जैसे हम लोग भी हैं, कभी इमरजेंसी होती है, किसी की तबीयत खराब है, जल्दी ठीक कराओ। उस दिशा में हमारे सामने ही मरीज आया और उसी समय तुरंत मैंने कॉल किया और स्ट्रेचर भी मैंने पूछा, वही बगल में स्ट्रेचर था, आया तब तक मरीज पहुंच गया। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर सारे चीज का इंतजाम है और पूरा मुस्तैदी के साथ डॉक्टरों का सब लोग। महोबा के आला चौक में मेडिकल कॉलेज की मांग की कवायद अब तेज हो रही है। सत्यमेव जयते युवा सूट संगठन के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि मेडिकल कॉलेज का शीघ्र शिलान्यास करवाया जाए और इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को समय रहते उचित इलाज मुहैया हो सके और उन्हें इलाज के अभाव में मौत का शिकार न होना पड़े। आज हम लोग यहाँ महोबा में जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था उसी संबंध में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके निर्माण चयन पे बहुत ही हीला हवाली चल रही है। जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसमें बहुत खेतान मचाए हुए हैं। बलिया जिले के रसना में अयोध्या धाम से प्रारंभ होकर जनकपुर जाने वाली भगवान श्रीराम की बारात श्रीनाथ नगरी रसड़ा के श्रीनाथ बाबा मठ पहुंची, जहां पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महंत कौशलेंद्र गिरी महाराज ने किया, जिसमें सभी बारातियों के लिए नाश्ता एवं खाने पीने का इंतजाम किया गया था। बारात के स्वागत के दौरान महंत कौशलेंद्र गिरी महाराज ने श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी की आरती की और आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए, ये परंपरा है, 5 वर्षों पे यह अयोध्या से यह रथ निकलता है और यह जनकपुर नेपाल बारात जाती है। जो 5 साल बाद ये आज यहाँ रसरा होते हुए यह बारात गई है। हरदोई के शाहबाद में झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीओ शाहबाद उमाशंकर सिंह ने कोतवाली परिसर में झंडारोहण किया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के संदेश को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि 23 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन का एक ऐतिहासिक दिन था, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर ध्वज प्रदान किया। ये ध्वज जहाँ हमारे चरित्र को दर्शाता है, वही हमारे गौरवान्वित इतिहास का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि इस अवसर पर कोतवाली परिसर में सलामी भी दी गई। हापुड़ के धौलाना में डाबर के तहत पोषित स्वयंसेवी संस्था संदेश के द्वारा शौचालय सफाई किट वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संदेश संस्था के प्रबंधक CSR सुशील कुमार मौजूद रहे। सुशील कुमार ने उपस्थित महिला और पुरुषों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने वाली स्वच्छ भारत मिशन योजना को साकार करते हुए संदेश संस्था के द्वारा 707 कदम परियोजना के तहत धौलाना ब्लॉक में 28 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। इसीलिए अब इस गांव में भी 700 परिवारों को शौचालय किट निशुल्क वितरित की जा रही हैं। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।